ये था हमारा स्टे, बहुत ही घटिया जगह है। चलो फिर, गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू एडवेंचर सिंह। हम जा रहे हैं आज गुजरात की तरफ। आज का हमारा स्टे रहेगा गुजरात में। कुछ गूगल माता कुछ बोल रही है, यहाँ से मुड़ने का है क्या? हाँ, यहाँ से मुड़ने का है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:20, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा सा लेट, बट कवर अप कर लेंगे कम स्टॉप्स लेकर। और बाकी सब तो बढ़िया है, मौसम अच्छा है, टेम्परेचर अभी 26 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, बट एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वेल। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर। और यहाँ पर हम लोग गांव की गलियों में रास्तों को ढूंढ रहे हैं। मतलब गूगल हमें ऐसा शॉर्टकट दिला के ले आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, रियली बहुत मज़ा आ रहा है। सिंगल लेन रोड है, पूरा जंगल है, बीच बीच में आदिवासी गांव है, क्योंकि ये पूरा आदिवासी इलाका है, और बहुत ही ज़बरदस्त है यार, बहुत ही ज़बरदस्त। आई लव दिस प्लेस। मतलब इस टाइप की जो ट्रिप्स होती ना, बड़ा मज़ा आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप चले जाते हो और कुछ नहीं। अभी गूगल बोल रहा है कि आप 1 बजे तक पहुंच जाएंगे अपने स्टैचू पे, मतलब जो स्टे है वहाँ पर, और उसके बाद स्टैचू तो पास ही में है फिर। लेकिन ये जो रोड आई है ना, मतलब शॉर्टकट जो दिया है गूगल ने, बहुत ही शानदार दिया है। मतलब प्लेन घाट्स, फिर पहाड़, सिंगल लेन रोड, चले जाओ यार आवाज़ से बातें करते हुए। और यह देखो यार नज़ारा देखो, बस जोश में ना होश नहीं खोना है, बाकी सब सही है। चलो यार एंजॉय करते रहो, साथ में बने रहो मेरे साथ इस चैनल पर, नाम है एडवेंचर सिंह, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं कौन सी जगह नहीं मालूम, अलीराजपुर तो बहुत पहले निकल चुका है। फिलहाल ये जो एरिया है ये बहुत स्पेशल है, क्यों? इसीलिए क्योंकि इसका आधा पार्ट जो है MP में है और आधा पार्ट जो है गुजरात में है, तो बेसिकली ये बॉर्डर है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं केवड़िया गुजरात, और आज का हमारा स्टे है यहाँ पर। ओहो ये क्या चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर जू डायरेक्टर एंड वेटनरियंस चल रही है कुछ ऐसा, BRG ग्रुप, ओके। ये रोक रहा है भाई, हाँ ओके। तो ये रहा हमारा आज का पार्किंग स्टैंड की तरफ। भाई इसका होटल बड़ा शानदार है, क्या बात आदित्य सिंह, जलवे हैं तुम्हारे, बस गाड़ी अपन यहाँ लगाएंगे। चलो मिलता हूँ आपसे रूम के अंदर। ओके तो ये हमारा रूम है, स्टे यहाँ पर है आज BRG। एक ही दिक्कत है कि इसमें AC नहीं है, पंखे से काम चलाना पड़ेगा। ओके तो अभी 12:30 बज रहे हैं और आ गए हैं अपन BRG बजट स्टे में, और यहाँ पर आज का स्टे है
स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से कुछ 5 मिनट की दूरी पर है, मतलब 2.5 किलोमीटर के आसपास, तो पहुँच जाएंगे जल्दी। अभी तो बस खाना खाने का मूड है, खाना वाना खाएंगे, फ्रेश व्रेश होकर उसके बाद जाएंगे, शाम को 4 बजे स्लॉट है। एग्जैक्ट तो मिलेंगे आपके आपसे स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। एट लास्ट वी आर हियर, और इस बिना किसी ब्रेक के, सिर्फ फ्यूल ब्रेक लिया, सुबह जो कुएं खाए थे उसके बाद सीधे अभी यहाँ पे आके रुके हैं। और 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप। तो इस रूम की खास बात दिखाई जाए आदित्य भाई, यानी यहाँ पे जो देख रहे हैं नंबर बेड 1, 2 एंड देयर इज आल्सो अ थर्ड बेड, और वो बेड हमारे थर्ड पार्टनर का है आभास। आभास ये आपको कोई भी हो सकता, लेकिन किस्मत खराब है, वैसे तो ये भी नहीं हो सकता था, ये भी शायद नहीं होता। वो तो इनने फोन कर लिया और ये आ गए, बस इतनी सी बात है। एक घंटे में जो प्रिपरेशन होती है ना, वो प्रिपरेशन नहीं हुई है, कोई प्रिपरेशन नहीं करके आई है, बस कॉर्ड है भाई तुम्हारे पास, जुगाड़ है, आ जाओ, ऐसा हुआ क्या? कॉर्ड चाहिए हमें सामान बांधने को, होना और कुछ नहीं। यार जो भी है, जैसा भी है, मिलते हैं आपसे अब स्टैचू ऑफ यूनिटी पर, खाना वाना खा के फिर पहुंचते हैं। बहुत दूर का, बहुत गर्मी भी है, लेकिन जगह अच्छी है, तो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके फिर जाएंगे आराम से। सिर्फ 2 पोहे खाए थे सुबह और चाय, सुबह 6 बजे और अभी बज रहे हैं 2, और लगभग 2 बजे टाइम पे खाना हो रहा है बहुत दिनों बाद। ओके, तो फाइनली अब जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। यहाँ से है 5 किलोमीटर, होटल से लिया पहला राइट देन लेफ्ट, मैप सेट कर लिया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी वो रहा सामने। ओ वाओ, क्या यार, क्या चीज़ बनाई है, मतलब हैट्स ऑफ टू एलएनडी, हैट्स ऑफ टू द गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात टूरिज्म, एंड यस स्पेशली मेंशन फॉर रेस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर जी, मतलब टूरिज्म को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया है वाकई में। यार पहाड़ों के बीच में आपको दूर से दिखाई दे जाती है वो प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। ये राइड की स्टार्टिंग ही बहुत शानदार है, बहुत ही ग्रैंड, आई वुड लव टू से इट। चलो आगे मिलते हैं आपसे स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। ओके, आदित्य स्टैच्यू देखिए साहब, यहाँ पे 2 लोग स्टैच्यू हो गए। एक देखिए वो ऊपर सरदार साहब, और एक देखिए और एक हमारी सस्ते कुमार, दो स्टैच्यू हो गए, अक्षय कुमार गरीबों के, अक्षय कुमार। अरे जान लोगी क्या तुम, पैदल चला चला के तो मार डाला। और फाइनली आ गए स्टैचू ऑफ यूनिटी पे, गाड़ी हमने पार्क की है वैल्यू फ्लावर्स पे, क्योंकि 2 व्हीलर की पार्किंग जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो गाड़ी पहले वहाँ पार्क करो, वहाँ से यहाँ पे आओ बस से, उसके बाद आप स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आ सकते हो। अभी तो अंदर नहीं गए, अभी बाहर से ही नज़ारे का मस्त आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए मेरे पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है आपको दिखाई देगा, मैं पूरा काला हो जाऊँगा क्योंकि बीच से सनलाइट आ रही है इसीलिए। खैर जो भी है, जैसा भी है, अभी अंदर जाने का वक्त आ गया है, टिकट ऑनलाइन थे, तो चलते हैं अंदर की तरफ। चलिए तो अभी आ गए हैं अंदर, एंट्री चेक करा के, और जा रहे हैं अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। भाई स्टैचू है, भाई स्टैचू ये रुक गया, चला गया भाई। मतलब बगलोली की कोई पराकाष्ठा, कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर भी आगे हम लोग वही कर रहे हैं जो जबलपुर में हरकतें करते हैं, वही हरकतें यहाँ पर भी कर रही हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ये देख के लोग हमें गलत गतिविधियों में संलिप्त वाले बंदे ना समझे, हम लोग शरीफ लोग हैं। शरीफ, हाँ शरीफ। अभी जा रहे हैं व्यूइंग गैलरी की तरफ, दिखाते हैं आपको आगे क्या है। जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ एकदम आराम आराम से, ये है मूविंग एस्केलेटर, तो हमको चलना नहीं पड़ रहा है, अपने आप चली जा रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आज से गुजरात टूर स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियल। और अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरफ जो है ये सरदार सरोवर बांध है, पीछे नर्मदा बह रही, नर्मदा यानी जबलपुर अपना शहर। अभी थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, गुस्सा आ रही है मेरे को, क्यों नहीं आया मैं इतने दिनों से, इतने सालों तक, आज साल पूरी कसर निकाल लेना है राइड कर करके। बहुत मज़ा आ रहा है गुजरात टूर में, एंजॉय करते रहिए, लाइक ज़रूर करिएगा। सो यहाँ पर एक कंपेरिजन दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड में, जिसमें हमारा देश सबसे ऊपर, हमारे देश की मूर्ति सबसे ऊपर है। 450 फीट पे खड़े आप नीचे म्यूजियम से आए, स्टैचू की राइट वहीं से गिनने में आई है, जो है 182 मीटर, 182 मीटर। ये जाली जो आप देख रहे हो सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है, और ये जैकेट का बटन है ऊपर, ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं,
दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन आउटर पार्ट्स उनके शॉल का पोर्शन है। जहाँ पे ये लिखा हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये है आपका सतपुड़ा और इधर कहीं सरदार सरोवर बांध है सामने और ये नर्मदा बह रही है। और ऐसा बोलते हैं कि पीछे की तरफ जो है वो है आपका विंध्याचल पर्वत जो कि एमपी से यहाँ से लाइक 45 किलोमीटर दूर है। काफी अच्छा ये व्यूइंग गैलरी, 182 मीटर हाइट है टोटल सरदार पटेल की, बाकी सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँ कि अगर आपकी जिंदगी एक बार है तो ये जगह भी एक बार विजिटिंग है, आप यहाँ पे आइए उसको मजा लीजिए। बहुत ही शानदार L&T ने जो काम किया है, बहुत ही शानदार काम किया है, मतलब इट इज़ अ मार्वल इन इंजीनियरिंग। मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही मार्वलस है यार, यहाँ पे आके फील करोगे कि वाकई में जगह वर्थ विजिटिंग है, देखने लायक है। तो व्यूइंग गैलरी तो हो गई, अब इसके बाद जाते हैं नीचे और देखते हैं कि इश्तियाक भाई मेरा दोस्त कहाँ खो गया है। वो तो पता नहीं है, हालांकि दुनिया में रहता है, अपन तो ऊपर आ गए नीचे आ रहे हैं, अब देखते हैं जैसा भी होगा पता लग जाएगा। बाहर से देखने जा रहे हैं, अंदर से हम लोग देख के आ गए हैं, उनके जो व्यूइंग गैलरी होती है वो अंदर की साइड है और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो है बाहर की तरफ। तो देखते हैं कितनी ऊपर जा सकते हैं, मेरे ख्याल से उनके चरणों तक पहुँच जाए वही बड़ी बात है। खैर मिलता हूँ आपसे। देखिए मैं खड़ा हूँ अभी ऊपर की तरफ ये अंगूठे के पास और इश्तियाक भाई कहाँ खड़े हैं मैं दिखाता हूँ आपको, एकदम जूम करके जाता हूँ इश्तियाक भाई के पास, वो खड़े हुए हैं वाइट शर्ट में। जब मैं ऊपर आया तब भी वहीं खड़े थे, अभी भी वहीं खड़े हुए, क्या कर क्या रहे भाई, घूमने आए कि क्या करने आए। और मैं आपको देता हूँ अब 360 डिग्री व्यू इस पूरी जगह का, ये देखिए क्या मस्त है, अल्टीमेट द नर्मदा बह रही है, सरदार सरोवर बांध भी है यहाँ पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी के ये पटेल साहब ये देखिए, और मैं हूँ यहाँ, ये पूरा व्यू है इस जगह का। और इसी के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी हुआ पूरा, बकेट लिस्ट में इसको कर दिया टिक ऑफ। अब यहाँ पर एक लेज़र शो भी है, लेज़र शो अटेंड करना है या नहीं करना है वो भी कन्फ्यूजन में, तो देखते हैं कि लेज़र शो अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे घर भी मतलब होटल्स भी जाके क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी कि अभी और कुछ फोटोग्राफ्स खींचना है या कुछ और देखना है। सब कुछ देख चुके हैं, अच्छे से अंदर विजिट किया है। जब भी आप आ रहे हैं पूरा टाइम दीजिए, आराम से एक एक चीज़ पढ़िए, समझिए कहाँ से स्टार्टिंग हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बायोग्राफी का पढ़ने में इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है बायोग्राफीज पढ़ने में, ऑटोबायोग्राफी मैंने काफ़ी पढ़ी हुई है, तो पटेल साहब की बायोग्राफी पढ़ी मैंने, जेल जाने से लेकर हर चीज़, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड मतलब आपको फील होता है यार कि क्या टाइम रहा होगा वो। खैर ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, यहीं पर अभी लेते हैं आपसे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं आपसे अगर कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तो। ओके तो फाइनली आज का दिन होता है यहाँ पर ख़त्म, काफ़ी सारा एंजॉयमेंट हुआ, कल से एक नया सफ़र, एक नई जगह पहुँचेंगे और मिलेंगे आपसे कल सुबह रोड पर। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।